मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखे भी नहीं, इसका सेकंड पार्ट देखने चला गया था। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा चल मेरे पुत पार्ट टू मूवी के बारे में। ये एक पंजाबी मूवी है और तकरीबन जो इसकी लेंथ है वो 2 घंटे के आसपास है और इसके अंदर कास्ट है अमरिंदर गिल, सिमी चहल, गैरी संधू, इफ्तियार ठाकुर और भी बहुत सारे बढ़िया कलाकार। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है तो जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये मूवी समझ में आ गई थी, आप इससे रिलेट कर पाएंगे जो इसके अंदर कहानी दिखाई गई है। बेसिकली फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिखाया क्या जाता है कि जितने भी करेक्टर हैं इंट्रोड्यूस होते हैं सेकंड पार्ट के अंदर हमारे सामने आते हैं वो फर्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं कि कौन कहां से आया है, क्या पर्पस है उनका यहां आने का। मतलब ये जितने भी लोग जाते हैं यूके के अंदर कमाने के लिए इलीगल तरीके से जाते हैं और वहां पर जाकर इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं रहने के लिए, वहां पर काम ढूंढने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों मूवीज में दिखाई गई हैं। और जो यूके में जो ये लोग गए हुए हैं वो भारत के भी कुछ लोग हैं और यहां पर हमारा जो बेटा यानी पाकिस्तान है उसके भी कुछ लोग यहां पर गए हुए हैं। अब ये दोनों ही देशों के लोग आपस में बड़े ही प्यार से रहते हुए दिखाए गए। बेसिकली जो इसकी जो मतलब थीम है दिखाने की भी, हाँ, एक यूके में जब कोई बाहर देश का किसी दूसरे देश का इंसान जाता है तो उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं काम ढूंढने के लिए, रहने के लिए, उसे कैसे दोस्त मिलते हैं, कैसे लोगों के वो के लिए वो रहता है। तो वहां पर जब वो इलीगल तरीके से जाता है, मतलब इसमें लीगली नहीं दिखाया गया, इलीगल तरीके से जाता है, तो इलीगल का मतलब ये नहीं है कि कोई सस्ता पड़ा है या फिर फ्री होता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इलीगल के लिए भी, तो उसे वो पैसे भी उतारने हैं, साथ ही साथ अपने घर पर भी पैसों को भेजना है ताकि अपने घर के अपना परिवार का गुजारा वो चला सके। और इन सब चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने रखा गया फर्स्ट मूवी और सेकंड मूवी दोनों के अंदर। फिलहाल मैंने अभी भी फर्स्ट मूवी नहीं देखी है, बस इसका ट्रेलर मैंने देखा कि उसके अंदर क्या हुआ है। उसमें जितना ट्रेलर देखकर पता चला है कि वहां पर करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था आपस में जब मिलते हैं। अब सेकंड मूवी मुझे समझ आ गई थी जब मैं इसको देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार फर्स्ट मूवी कहां देखें, तो मैंने बस इसका ट्रेलर देख लिया क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था। और जब मैं सेकंड मूवी देख रहा था मेरे कहीं पर भी ऐसा कोई सीन नहीं होगा जहां मैं हंसा नहीं होगा, बस हाँ इमोशनल वाले सीन को छोड़ दें तो वहां पर आंखें नम भी हो जाती है। मतलब इमोशनल भी इतना कर देते हैं कि एक तरीके से लगता है कि यार अभी हम रो पड़ेंगे, और हंसाने की बात करें तो इतना ज्यादा हंसा देते हैं मतलब ये गालना वो दुखने लग गए थे। देखो इस मूवी में लव, प्यार, फ्रेंडशिप, स्ट्रगल, बहुत सारी चीजों के ऊपर बढ़िया से फोकस किया गया है और सबसे ज्यादा आप जो इंजॉय करने वाले हो वो है इस मूवी के डायलॉग। या जब ये दोस्त आपस में, मतलब ये जो लोग हैं फिर वो दोस्त बनते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पंच लाइन आती है, डायलॉग बोलते हैं, वो इतने बढ़िया लगेंगे यार मुझे। खासकर जो इसके अंदर देखो मुझे बहुत सारे जितने भी इसमें करेक्टर हैं उन सबकी मुझे परफॉर्मेंस पसंद आई है, लेकिन इफ्तियार ठाकुर जिनकी परफॉर्मेंस पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, जो इनका कॉमेडी टाइमिंग है यार वो सच में कमाल का था, बहुत एंजॉय किया मैंने जब भी ये स्क्रीन पे आते, जब भी ये कुछ बोलते, मतलब वो हंसी के पल आने ही आने हैं वहां पर। गैरी संधू को भी यहां पर दिखाया गया लेकिन उनका कोई ज्यादा रोल है नहीं, कितना इंपॉर्टेंट भी रोल नहीं है, खैर उनको बड़ी स्क्रीन पर देखकर काफी अच्छा लगा। सिमी चहल का जो इसमें रोल दिखाया गया वो बहुत ही, मतलब जब भी वो आती है बहुत ही प्यारी और सुंदर लगती है, मतलब उनको देखें तो मतलब स्क्रीन से नजर ही ना हटे, तो इतना अच्छा लग रहा था। और अमरिंदर गिल की भी एक्टिंग काफी कमाल के लिए, बाकी कलाकारों ने भी बहुत अच्छे से काम किया है। इस मूवी की एंडिंग मुझे समझ में नहीं आई, मतलब कि जब ये मूवी खत्म होती है तो ऐसा फील होता है कि यार ये क्या हो गया, इसके बाद कुछ तो दिखाना चाहिए था। हाँ जानते हैं कि इसकी जो थर्ड मूवी है वो अक्टूबर 2021 के अंदर आने वाली है, बावजूद इसके भी जो इसकी एंडिंग होती है इसके सेकंड मूवी के अंदर तो वो अधूरापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि यार अभी इसके बाद एटलीस्ट कुछ तो दिखा देते कि जिस मोड पे जैसे खत्म हो रही है। अब मैं वो बताने वाला तो नहीं हूं क्योंकि वो स्पॉइलर वाली बात आ जाती है, तो अगर एंडिंग सही होती तो ज्यादा बेटर होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है, इसकी थर्ड मूवी आएगी वहां पर हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट होता है ना कि यार अभी भी मुझे लग रहा है कि यार हाँ यार उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वो अधूरापन फील ना होता। खैर ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कॉमेडी भरपूर है इसके अंदर, पंच लाइन जैसे दिखाई गई है, डायलॉग जो है इसके अंदर वो काफी ज्यादा कमाल के, आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, एक टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे इस मूवी के ऊपर, वर्थ इट है इसको देखना। अब एक सीन आता है इसके अंदर जिसमें जिंदर नाम का एक करेक्टर जिसे प्ले किया अमरिंदर गिल ने, वो एक बात कहते हैं कि अगर हमारी सरकार ने हमारे लिए किया होता, कुछ किया होता, तो शायद हमें दूसरे देश में आकर यहां पर धक्के ना खाने पड़ते, यहां पर इन लोगों की हमें सुननी ना पड़ती। तो देखो यार ये बात जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी, अगर इस बात के ऊपर चर्चा करने बैठे तो ये वीडियो है वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि ये जो इश्यू है वो थोड़ा डिबेट वाला है, कुछ लोग इसको
समर्थन भी दे सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यार, अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है, आप अच्छे से पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखने का मतलब ये नहीं है डिग्री होना, आपके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई है, आप समझ सकते हो चीजों को, तो डेफिनेटली अपने उस टैलेंट, अपने उस स्किल के आधार पर आप अपने देश में रहते हुए भी आप अपने हालात को सुधार सकते हो, किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है। और आप अपने हालात सुधारते हो तो उसके लिए आप सरकार को थैंक यू तो नहीं कहोगे, ठीक वैसे ही अगर आपके हालात खराब है तो आप सरकार को ब्लेम कैसे कर सकते हो। हमारे देश में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप उनको सही से पहचान पाओ तो उनका अच्छे से यूज भी कर सकते हो, अगर उसको यूज नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं पाते हो तो अपना इसका जो ब्लेम है वो सरकार पर देना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। ठीक है, इससे ज्यादा हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि यार मैं वीडियो को और ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते हैं, फोकस करते हैं मूवी के ऊपर। देखो मूवी की जो स्टोरी है वो काफी बढ़िया है, जो यहाँ पर जो इनका स्ट्रगल, इनकी प्रॉब्लम, जो यूके में जो हमारे देश के जो लोग जाते हैं या दूसरे देश के भी जो लोग जाते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके अंदर दिखाई गई है। इलीगल माइग्रेंट्स जो वहां पर जाते हैं, इमिग्रेंट्स जाते हैं, उनके लिए वहां पर क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं वो चीजें इसमें दिखाई गई हैं, तो काफी अच्छा लगता है। इमोशनल एंगल भी आया, फ्रेंडशिप भी है, लव भी है, स्ट्रगल भी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, आप जब आप मूवी देखेंगे तो आपके पैसे खराब नहीं जाएंगे। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8/10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और नहीं देखिए तो जाकर देखिए, फैमिली के साथ अच्छे से आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा इस मूवी को देखने के बाद। पंजाबी मूवी है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी हार्ड लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।